So hello guys, welcome back to our YouTube channel Fitness and Travel. Hope you guys are fine and safe at your home. So आज का vlog में एक important part है. आज मैं अपनी motorcycle की service घर पे ही करने वाला हूँ. घर पे ऐसे करने वाला हूँ कि सर्विस बहुत बड़ा कोई काम नहीं होता. जो रेगुलर सर्विस होती है मेरी बाइक की 10,000 प्लस की जो सर्विस होती है वो है, और मैं सर्विस घर पे करने वाला हूँ. और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या सामान लगने वाला है. तो फर्स्ट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इंजन ऑयल. डोमिनार में 1.5 लीटर इंजन ऑयल लगता है एक बारी में. सो ये है कैस्ट्रोल का पावर एंड क्रूज, इसके मैंने रिव्यूज़ पढ़े और बहुत रीजनेबल इंजन ऑयल है. सो मैंने इसको ऑर्डर किया अमेजोन से. एंड अगेन दिस इज ऑयल फिल्टर, ये मैंने जेन्युइन बजाज शोरूम से ही खरीदा जाके. एंड दिस इज 3M इंजन फ्लश, ये बहुत छोटी सी बॉटल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंजन परफॉर्मेंस में. होता क्या है, जब आप जो पुराना इंजन ऑयल ड्रेन करते हैं तो ड्रेन करने से पहले इसको आप इस इंजन ऑयल में मिक्स कर दीजिए, डाल दीजिए कैप ओपन करके, और बाइक को 10 मिनट्स तक के लिए स्टार्ट करके और थोड़ा सा रेव वगैरह करके छोड़ दीजिए. होता क्या है, जितने भी जब पार्टिकल्स होते हैं, मेटल पार्टिकल्स जो इंजन के अंदर होते हैं, वो सारे इंजन के ऑयल जब हम ड्रेन करते हैं तो उसके बाद फ्लश आउट हो जाते हैं. तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड दिस इज एयर फिल्टर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है लगाना. सबसे पहले मैं यही लगाऊंगा क्योंकि इसके लिए पूरा का पूरा जो फ्यूल टैंक है वो खोलना पड़ता है. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस टू बॉटल्स, मोटूल चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब. चेन की लाइफ बढ़ानी है, बाइक स्मूथ चलानी है, तो ये बहुत ज़रूरी है. सो ये सब छोटे छोटे काम है, और बाकी ऐसा कुछ मेरी बाइक पे काम है नहीं. बाइक बहुत अच्छी कंडीशन में है. सो मैं सर्विस का, मेरे पास बजाज से कॉल आया था लाइक 15-20 डेज पहले, मेरी बाइक बहुत कम चली थी. सो आई डिसाइडेड कि मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और मैं जो ये सर्विस है घर पे कर लूँगा, और आपको मैं इस ऑयल का रिव्यू ज़रूर दूंगा आने वाले टाइम में. सो गाइस आ गए हैं हम अपनी डोमिनार के पास. सबसे पहले हम इसका एयर फिल्टर चेंज करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है. क्योंकि उसके लिए गाइस एज यू कैन सी, उसके लिए ये पूरा का पूरा फ्यूल टैंक ओपन करना पड़ेगा. इसका फ्यूल टैंक ओपन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये वाले बोल्ट्स, ये बोल्ट, यहाँ पे कुछ बोल्ट्स हैं. पहले सीट ओपन करना पड़ेगा, सीट के नीचे कुछ बोल्ट्स हैं. सो इट गोना बी अ लॉन्ग प्रोसेस. जो आपको ये दिख रहे होंगे ये वाले, ये यहाँ पे बोल्ट है एल एंकी वाला, सेम इस साइड में भी है. सीट खुलेगी तो सीट के नीचे जो यहाँ से फिक्स होता है ये वाला बोल्ट खुल रहा है. तो इसके फ्यूल टैंक खोलना ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तो मैं इंजन ऑयल चेंज ना करके सबसे पहले मैं इसका फ्यूल टैंक खोल के एयर फिल्टर चेंज करने वाला हूँ. लॉन्ग स्ट्रगल, मैंने ये ओपन कर लिया है एज यू कैन सी. एंड दिस द बॉक्स सामने जो आपको दिख रहा होगा, दैट बॉक्स ये ओपन हो गया फाइनली. ऐसा कुछ फ्यूल टैंक दिखता है डोमिनार का. और मुझे ये टू स्क्रूज खोलने हैं, ये लिफ्ट हो जाएगा, इसके स्क्रूज खोल लिए मैंने. ये टू स्क्रूज खोलने हैं तो इसके अंदर एयर फिल्टर होगा. सो गाइस दिस इज द ट्रूथ, ये पुराना एयर फिल्टर कितना गंदा हो रखा है सी. एंड दिस इज द न्यू वन. सो गाइस पहले हमको ये 3M का इंजन ऑयल फ्लश यूज करना है. इसको सिंपली हमें इंजन ऑयल में डाल देना है और बाइक उसके बाद 10 से 15 मिनट्स या 5-10 मिनट्स स्टार्ट करके छोड़ देना है, जिससे कि जितना भी डर्ट होगा इंजन के अंदर वो सारा इंजन ऑयल जब हम ड्रेन करेंगे उससे बाहर आ जाएगा. तो गाइस जो ये नट है बोल्ट आपको दिख रहा है बड़ा वाला, ये आपको ओपन करना है और यहाँ से इंजन ऑयल पूरा ड्रेन कर लेना है आपको. Thank you.
सो गाइज इसमें से ये निकलेगा एक फिल्टर और यहाँ से, तो उसको अच्छे से क्लीन करके आपको उसको दोबारा से सही से इस तरह से फिक्स कर लेना है अंदर। न्यू वन सिंपल, माई मोटरसाइकिल इज़ रेडी आफ्टर सर्विस, होम सर्विस एक्चुअली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी बाइक को खुद ट्रीट करके मैंने फर्स्ट टाइम सर्विस किया बाइक की और मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी परेशानी आई थी फ्यूल टैंक में, तो एक बार तो लगा था कि ऑनेस्टली कि बंद कर दूँ, कि मुझसे बंद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट ईजी था। खोलने से ज़्यादा आसान इसको टैंक को बंद करना था। तो बाइक कुछ ऐसी लग रही है और चलो इसको अब स्टार्ट करके देखते हैं कि आई डोंट नो कि लोग कहते हैं कि स्मूथनेस वगैरह इंजन की आवाज़ थोड़ी सी बदल जाती है, तो उसको देखते हैं। चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। बाइक आवाज़ तो डेफिनेटली बदली है, बाइक की काफ़ी कम हो गई है नॉइज। हाँ डेफिनेटली, अब ये पता नहीं इंजन ऑयल की वजह से है कि एयर फिल्टर की वजह से है, बट आवाज़ बहुत अच्छी हो गई है। पता चल रहा है कि बाइक की सर्विस हुई है, स्मूथनेस वाली आवाज़ थोड़ी सी फील हो रही है। सो गाइज आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो। आई नो वीडियो थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेंट था, कंटेंट इन द सेंस कि हमारा चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल है, लेकिन हमने बाइक की सर्विस कर दी उसमें। एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे लगा कि ये मैं सर्विस करने लगा हूँ, क्यों ना मैं शूट करूँ इस चीज़ को, लोगों के शेयर करूँ, अगर किसी नीडी को उस चीज़ की हेल्प होगी कि घर में सर्विस कैसे करनी है या सर्विस के स्टेप्स क्या होते हैं, तो उसके लिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो बस यही मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का, और आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।